हाय गाइस, सो मैं जानता हूँ बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं किया है, बट क्यों? क्योंकि मेरा पुराना पीसी जो है वो खराब हो चुका था। तो अब मेरा नए पीसी का सारा सामान आ चुका है, ये राइजन का बिल्ड होने वाला है, तो चलो इस पीसी को बिल्ड करना शुरू करते हैं। बट सबसे पहले आई हैव टू क्लियर ऑल दिस मेस, मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा, तो चलो इसे पहले साफ कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने मदरबोर्ड को एक टेबल पे रख लें और अपने प्रोसेसर को उस पर इंसर्ट कर दें। प्रोसेसर को इंसर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो ट्रायंगल दिया है उसे मैच करो, या फिर जो भी नाम लिखा है प्रोसेसर पर वो आपकी तरफ फेस होना चाहिए, मतलब आप उसे सही पढ़ सकें, उल्टा नहीं। एक बार आपने वो डाल दिया तो आप मेरी तरह गलती मत करना, मैंने पहले पिन नहीं उठाई थी, तो आप अगर ऐसे डालोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा सबसे पहले पिन को उठाएँ, जैसे कि मैं इसमें उठा रहा हूँ। उसके बाद प्रोसेसर को अच्छे से अलाइन करें और बस रख दें, और ये जैसे ही आप पिन को नीचे करेंगे ये इस पर अटैच हो जाएगा अच्छे से। देखो, मैं उठा कर देखा तो मदरबोर्ड साथ में उठ रहा था, इसका मतलब ये स्टडली फिट हो चुका है। अब बात आती है इसके कूलर को अटैच करने की, तो आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि ये राइजन का प्रोसेसर है, इसमें पहले से थर्मल पेस्ट लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस कूलर को सबसे पहले प्लेस करूँगा। अब किस तरह प्लेस करूँगा कि मुझे जो राइजन का नाम लिखा गया है वो मेरे मुँह की तरफ नज़र आए, ना कि उल्टा। अब आप एक स्क्रू ड्राइवर को ले लें और इस पर जो साइड में चार पेच लगे हैं आपको वो एक एक कर कर खोल देने हैं। एक बार ये पेच चारों के चारों खुल जाएं, जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं मैंने खोल दिए हैं, फिर आपको करना है इस पर सीपीयू का फ़ैन इंस्टॉल। सीपीयू के फ़ैन को इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो फ़ैन है उसको इस तरह रखें कि आपको जो नाम लिखा है फ़ैन के ऊपर वो सीधा नज़र आए, ना कि उल्टा। तो जैसे कि मैंने इसको सीधा रख दिया, एक बार अच्छे से अलाइनमेंट हो गई, तो अब होगा क्या, जो थर्मल पेस्ट है वो चिपक जाएगा मेरे प्रोसेसर के साथ, और अब मुझे इन पेचिस को कसना है। पर इसका सबसे अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इनको कसने का, आप इसको एक्स डायरेक्शन में काटें, मतलब टाइट करें। सबसे पहले एक एंड को करें, फिर जैसे अब मैंने उसके ऑपोजिट एंड को किया उस तरह से करें। अगर आप सबको एक एक करके करोगे तो एक साइड से नीचे हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि जो आमने सामने का तिरछा जो नज़र आ रहा है पेच, उसको टाइट किया, तो ये ऐसा नहीं होगा। अब मैं इसको एक्स शेप में टाइट करूँगा, तो इसको हमेशा एक्स शेप में ही टाइट करें, वरना ये एक साइड से ज़्यादा टाइट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। जब तक ये टाइट हो रहा है मैं आपको क्यों ना स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो जो मैं मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है A320MS Pro, और जो प्रोसेसर है वो है Ryzen 7 2700। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत सस्ता मिल रहा था और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है ये। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इस बिल्ड के बारे में, जो कि आपको देखनी ही देखनी अगर आपने ये बिल्ड बनाना है। अब आप देख सकते हैं मैंने पेचिस को टाइट कर दिया है और ये अच्छे से साथ में उठ जा रहा है मदरबोर्ड के। मैं एक बार दोबारा रीचेक कर रहा हूँ कोई पेच ढीला तो नहीं रह गया। और अब बात करते हैं रैम की, तो इसमें मैंने एक स्टिक लगाई है अभी फ़िलहाल के लिए 8 GB की, मैं इसको भी अपग्रेड कर रहा हूँ। और जो अभी मैं इस पर GPU यूज़ कर रहा हूँ 1050 Ti है, बट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इस एक RX 570 ले लिया और 1050 Ti सेल आउट कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें एक रैम स्टिक को इंस्टॉल। रैम स्टिक को इंस्टॉल करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको रैम के बीच में एक देख सकते हैं छोटा सा छेद नज़र आ रहा होगा, उस छेद को आपको मदरबोर्ड के जो लाइन दी गई है उसके छेद के साथ अलाइन करना है और हल्का सा प्रेस करना है। इसको आप 2-3 बार चेक कर सकते हैं कि अलाइनमेंट हो रही है कि नहीं, ऐसे मत जोर लगा देना, कहीं आपका मदरबोर्ड टूट जाएगा। और ये मैंने इसे प्रेस करना है और ये क्लिक की साउंड निकालेगा। एंड ये अच्छे से अलाइन हो गई है रैम भी। अब हम अपना केस रखेंगे टेबल पर और इसको करेंगे अनबॉक्स, इसके ग्लास को। ग्लास को अनबॉक्स करने के लिए आप, हर केस का अलग सिस्टम होता है, आप अपने केस के हिसाब से देख लें आपका केस का ग्लास कैसे, मतलब फ्रंट पैनल जो है वो कैसे रिमूव होता है। अब आपको सिंपली ये मदरबोर्ड उठाना है, इस पर हमने रैम और प्रोसेसर और फैन लगाया है, और इसको प्लेस करना है इस हिसाब से कि जो इसके पोर्ट्स हैं पीछे लैन HDMI वगैरह के, वो आपकी प्रोसेस केस के पीछे अलाइन हो जाएं।
मैं आपको दूसरी साइड का कैमरा एंगल तो नहीं दिखा सकता, बट आपको सरेआम नज़र आएगा कि जो इसके पोर्ट्स हैं वो पीछे से विजिबल हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं पीछे हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ कि विजिबल हुए कि नहीं। अब इसके बाद का जो काम है वो काफ़ी इजी है, बस एक बार आपको ये टाइट करना है और जितनी भी केबल्स हैं उनको कनेक्ट करना है और ग्राफिक कार्ड लगाना है। ये बहुत इजी है। और वैसे भी गाइज ये पीसी बिल्डिंग की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल पीसी बिल्डिंग की वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसी नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट है पीसी बिल्डिंग की वीडियो का। तो अब हमारा पीसी जो है वो बूट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं एवरीथिंग इज रनिंग, फैन हमारा वर्क कर रहा है, ग्राफिक कार्ड वर्क कर रहा है और हमारी डिस्प्ले पर भी इनपुट आ चुका है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो हमारी डिस्प्ले पर अब बायोस की स्क्रीन आ चुकी है। अब हम करेंगे सबसे पहले इसमें विंडोज को इंस्टॉल। तो मेरे पास यार ये मैंने काली बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखी है विंडोज 10 की, तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। गाइस हमारा पीसी जो है वो तैयार हो चुका है, उसमें विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीसी नजर कैसा आ रहा है। सो गाइस अब हम करेंगे बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स मैं करने वाला हूँ दो मेजर ट्रिपल ए टाइटल्स का, एक होगी असैसिन क्रीड ओडिसी, एक होगी GTA 5, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो गेम्स हैं वो नहीं है इस पीसी में, वो मेरे पिछले पीसी में है। और वैसे भी मैंने बताया ओवरव्यू है, ये डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। सबसे पहले असैसिन क्रीड ओडिसी को हम बेंचमार्क कर रहे हैं, तो इसकी में जो मैंने सेटिंग है वो अल्ट्रा और हाई का मिक्स रखा है 720p पर, क्योंकि मेरा मॉनिटर 720p है। तो आप देख सकते हैं एवरेज हमें अराउंड 45-46 के आसपास मिल रही है इस वक्त। काफ़ी अच्छी लाइटनिंग की क्वालिटी है और हर चीज़ आपको अल्ट्रा लग रही है, बट मैंने कुछ कुछ खिलवाड़ किया है जैसे वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स वगैरह जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मैंने उनको कम करके रखा है। बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपको अल्ट्रा के आसपास ही मिल रही हैं। आप देख सकते हैं NPCs वगैरह इतना कुछ लोड हो रहा है स्क्रीन पर, बट फिर भी आपको स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, कोई भी स्टटरिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो क्या मैं आपको ये बिल्ड रेकमेंड करता हूँ? नहीं। क्यों? आपको वो एंड में देखने को मिलेगा। आपको बनाना है तो मेरे जैसा मत बना लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी एंड में। तो हमारा GPU और CPU दोनों जो हैं वो अच्छी तरह से रन हो रहे हैं, टेम्परेचर्स भी मेंटेन है, कोई ओवर हीटिंग का इशू भी नहीं देखने को मिल रहा। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इसका। मुझे लगता है 45-44 के आसपास आना चाहिए, एंड हाँ 46 आया है, तो काफ़ी अच्छे हैं और एवरेज है 46, तो मतलब बढ़ भी जाएगी कम डेंस जगह में। अब हम बेंचमार्क करते हैं GTA 5 को। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सबको इस गेम का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा बेंचमार्क करने का, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने भी ऑलमोस्ट 2 साल पहले तक इस गेम को खेलने के लिए तरसता था। और मैं जानता ये भी हूँ कि आज भी लोग जो हैं वो एंड्रॉयड में GTA 5 रन करने के तरीके देखते हैं। तो यार आप पीसी बिल्ड कर सकते हो अगर आपको ये गेम खेलनी है, और मेरे वाले पीसी ऑल दो ऑप्टिमल नहीं है मेरा, बट फिर भी 60 फ्रेम्स आपको अल्ट्रा सेटिंग्स में देखने को मिल रहे हैं 720p पर, और ये बिल्कुल भी 60 से ड्रॉप नहीं हो रहा। आपको आप बोलोगे 59 आ रहा है, तो उनको बता दूं जिन्होंने पहले पीसी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा या जिनको पता नहीं है, तो यार ये क्या है कि मेरा जो मोनीटर है वो 60 FPS सपोर्ट करता है, तो 59.5 से नीचे नहीं जा रहे फ्रेम और 60 पर रह रहे हैं। कंपेरिजन के लिए बताता हूँ आपको, PS4 पे 30 फ्रेम्स पे चलती है GTA 5 मीडियम और हाई सेटिंग्स के मिक्स में, बट इस पे अल्ट्रा पे चल रही है 60 FPS पे, तो आपको ये PS4 से 2 टाइम्स ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस मिल रही है, और ये काफ़ी पावरफुल बिल्ड है। बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता इसे बनाना, क्योंकि मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा। मेरे को आप प्लीज़ वॉच टाइम दे दो यार इस वीडियो में, मैं चाहता हूँ मैं कितना आपके पास प्लेट लेके आ जाऊँ, क्या मुझे वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में रखा ना उसको। तो पूरी वीडियो देखो, आप देख सकते हैं इसमें ओपन वर्ल्ड इस वक्त फुली रेंडर्ड है, आपको जगह जगह चीज़ें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी डिटेलिंग है इस वर्ल्ड में, बट फिर भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे 59 के नीचे नहीं गिर रहे फ्रेम ड्रॉप। आप इसे 60 कह सकते हैं या 59 जो कहना कह लो, बट इसका रियल टेस्ट तब होगा जब हमें एक्सप्लोजन देखने को मिलेंगे। आप इसके बाद आने चाहिए एक्सप्लोजन भी। तो यार देखो फुल स्पीड में जा रहा है प्लेन, इतनी फास्ट गेम को रेंडर करना पड़ रहा है। ड्रॉ डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, पबजी मोबाइल खेलते हो अगर आप,
ड्रॉ डिस्टेंस बन रहा है इसका इतनी जल्दी जल्दी, बट फिर भी 60 के नीचे फ्रेम नहीं जा रही। अब सिटी में पहुंचे, अब देखते हैं क्या ड्रॉप होगा। यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग है क्योंकि यहाँ पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। अब आएगा वो वाला एक्सप्लोजन वाला टेस्ट। अब एक्सप्लोजन वाले टेस्ट में रियल टेस्ट है इसका। अगर ये एक्सप्लोजन में भी 50 के नीचे नहीं गिरा तो ये इनफ होगी। अगर ये 50 के नीचे गिरा तो मतलब मेरा बिल्ड ऑप्टिमल नहीं है, और जो मैं लास्ट में चीज़ बताई है वो आपको देखनी ही पड़ेगी। देखो वो ज़रूर देखो, 10 मिनट की हो गई ये वीडियो, मैं चाहता हूँ 15 मिनट की हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, बम जब एक्सप्लोजन जब होंगी तब क्या फ्रेम ड्रॉप होंगे। अभी तक तो नहीं हुए, 59 ही है सब कुछ अभी भी, 59। ग्राफिक्स अल्ट्रा देख लो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, 2013 की गेम है बट स्टिल। और अब तो ये PS5 में भी लॉन्च कर दी, हद है यार, PS5 पे वीडियो आ रही है बहुत जल्द। अब देखते हैं क्या होगा, अब फटने वाला बम, एंड स्टिल इट्स 59। एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ 59 के नीचे। और अब हुआ ड्रॉप, 53 वॉज द लोवेस्ट ड्यूरिंग एक्सप्लोजन्स। तो काफ़ी अच्छा बिल्ड है बट ऑप्टिमल नहीं है। अगर आप मतलब अगर आपके पास लाइट GPU है तो आप इजीली इस गेम को अल्ट्रा पे रन कर सकते हो इस CPU के साथ। प्लीज़ नाउ डोंट गो टू Pornhub। तो गाइज आपने जैसे कि बेंचमार्क्स देख लिए हैं, अब बात करते हैं मेरी फाइनल थॉट्स के बारे में। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसमें किया 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड यूज, ठीक है। आप वो मत करना अगर आप सेम बिल्ड ही बना रहे हो, क्योंकि मैंने तो ये 1050 Ti टेम्परेरीली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने RX 570 जो है वो ऑर्डर कर दिया और वो शिपिंग पे है, दिल्ली पहुँचा है अभी, मैं हिमाचल से हूँ तो वो अभी आ रहा है एक दो दिन में। तो मैं 1050 Ti को तो सेल आउट कर दूंगा और RX 570 लगा दूंगा इसमें। तो आप कहीं ये गलती मत कर देना कि Ryzen 7 और 1050 Ti का कॉम्बो यूज़ करो, या ये भी मत करना कि 2020 के मिड में, अब ये भी ख़त्म होने वाला साल, इसके बीच में आप 1050 Ti खरीद लो, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी। या तो आप यूज्ड RX 570 लो या फिर 1660 सुपर ले सकते हो अगर आपका बजट अलो करता है, पर 1050 Ti को आज की डेट में मत लेना अनलेस आपको यूज्ड 4,000 से 5,000 का मिल जाए, उसके सिवा आप 1050 Ti मत लेना। तो जो मैंने Ryzen 7 के प्रोसेसर को यूज़ किया है, ये 8-core 16-thread वाला प्रोसेसर है, ये आप कह सकते हो i7 के बराबर की परफॉर्मेंस देता है, और अगर ओवरक्लॉक कर दो तो i9 की 90% परफॉर्मेंस देता है। आप अगर लोगे ये तो ये गलती मत करना कि आप M320 मदरबोर्ड ले लो, क्योंकि हुआ क्या है, मेरा प्लान था पहले कि Ryzen 3 3100 को लेके मैंने बिल्ड करना था, और मैंने Ryzen 3 3100 जो है वो MD Computers.in से ऑर्डर किया था। उस टाइम वहाँ पर उनका ऑफिस, क्योंकि कोलकाता में बेस्ड है, वहाँ पर वोल्केनोज आए थे, टोर्नेडोज आई थी, तो वोल्केनोज नहीं, वहाँ पर तूफान आए थे, तो उस वजह से वो शिप नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिन हो गए थे, मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मेरा प्लान था कि मैं अमेजोन से 3100 मंगाऊंगा, पर अमेजोन में वो 10,000 का मिल रहा था, और तभी अचानक से मैं जैसे ऑर्डर करने लगा मुझे पता लगा कि Ryzen 7 है वो 13,000 रुपीज में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी डील में। तो मैंने फटाफट Ryzen ये मंगा लिया 7, पर लेकिन जो मेरा मदरबोर्ड था वो पहले ही आ चुका था, एक 1 month पहले मैंने मदरबोर्ड मंगा के रखा था, तो मैं मदरबोर्ड को वापस नहीं कर सकता था और मैं बेचना भी नहीं चाहता था। तो मैंने इस मदरबोर्ड को Ryzen 7 के साथ पेयर किया है। आप ये मत करना, क्योंकि जैसे चल तो पड़ा है मेरा PC, बट बोलते हैं कि आप रेगुलर यूज़ अगर करोगे तो मदरबोर्ड जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि ये हाई एंड CPU है और जो मदरबोर्ड है वो लो एंड है, लो एंड नहीं मतलब बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप यार ये वाला CPU यूज़ करते हो तो मदरबोर्ड M320 वाला मत लेना, आप B450 वाला मदरबोर्ड लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और तीसरी चीज़ जो आप या ध्यान में रखना वो ये है कि अगर ये वाला बिल्ड करते हो या कोई भी Ryzen का बिल्ड करते हो, हमेशा ड्यूल चैनल मेमोरी के लिए जाएं, मतलब कि अगर आपको 8GB की रैम भी लगानी है तो 2 4GB की रैम लगाना इंस्टेड ऑफ 1, अगर 16 की लगानी है तो 2 8 की लगाना इंस्टेड ऑफ 1 ऑफ 16, क्योंकि जो Ryzen के प्रोसेसर्स हैं, GPUs हैं या APUs जो भी है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अगर आप ड्यूल चैनल मेमोरी रैम को यूज़ करोगे। तो इन तीन चीज़ों को याद रख लेना, मेरा डिटो कॉपी मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1050 Ti को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर रहा, 2 से 3 दिन बाद मैं RX 570 डालने वाला हूँ इसमें। दूसरी बात,
अगर आप ये वाला बिल्ड बना रहे हो तो ये वाला मदरबोर्ड मत यूज करना इसके साथ। अगर करना है तो Ryzen 5 3600 तक ही करना। अगर उसके ऊपर का प्रोसेसर ले रहे हो जैसे कि Ryzen 7 तो ये वाला मदरबोर्ड मत यूज करना। और तीसरी चीज, हमेशा ड्यूल चैनल मेमोरी यूज करो इसके साथ। ऑल्दो मेरे पास अभी सिर्फ 1 8 GB की रैम है, मैं मंगाने वाला हूँ कुछ दिनों में 1 और 8 GB की रैम, पर फिलहाल के लिए मैं इसी से काम चलाऊंगा। अब बात करते हैं कि क्या ये बिल्ड अच्छा है। तो यार आप देख सकते हो बिल्ड तो सुंदर है काफी, फैंस भी रनिंग है, और मतलब ऐसा बिल्ड मैंने पहले नहीं, मैं जो पिछला मेरा जो बिल्ड था वो था स्लीपर बिल्ड, उसका केस जो था वो आपको मिड 2000 की एरा वाले पीसी होते थे ना वैसा था, बिल्कुल नॉर्मल केस था, बट अंदर उसके GTX 1050 Ti था और इंटेल का G4560 था, वो काफी पावरफुल था, मतलब GTA 5 को वो हाई सेटिंग्स में आराम से 70-80 फ्रेम्स पे चला देता था, डिसेंट था और एडिटिंग वगैरह में भी काफ़ी हेल्प होती थी उससे मेरी। बट अभी मेरे पास Ryzen 7 की मशीन है, इसके अभी टेम्परेचर्स भी कंट्रोल हैं, सब कंट्रोल में है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बिल्कुल कॉपी करना होगा कर लो यार, मैं मना नहीं करता, बट मैं राय दूंगा मत करना कॉपी। और एक और बात मैं बहुत बड़ी टिप देना चाहता हूँ कि आप कभी भी पीसी बनाओ ना तो ये चीज़ जरूर ले लेना, ये स्टेबलाइजर मैंने लिया है ये Zebronics का, और इसको यार हमेशा लेके रखो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर इंस्टेंस ये लो, मान लो मैं पावर स्विच ऑफ किया, लाइट चली गई, अब मेरा पीसी ऑन है क्योंकि स्टेबलाइजर जो है इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। अब मेरे एरिया में और मोस्ट ऑफ द इंडिया में जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट जाने के खतरा रहता है या वोल्टेज अप डाउन का। तो जो मेरा पिछला पीसी है मुझे अपग्रेड इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी पावर सप्लाई जल गई थी, मदरबोर्ड भी थोड़ा सा खराब हो गया था उसका। तो ये वाली गलती मत करना क्योंकि देखो आप इतना महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हो 3 से 4 हजार का, एक स्टेबलाइजर या यूपीएस जरूर लगा लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको बिल्ड पसंद आया होगा। मैं मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, बट अब मैं कोशिश करूंगा वीडियो को जल्दी लाने की। अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ माय गेमिंग सेटअप पर बना दूं, और उसके बाद बनाएंगे एक RX 570 ग्राफिक कार्ड्स के साथ। और मुझे पता है ये काफी डिफरेंट कंटेंट है मेरी रेगुलर वीडियो से, मैं गेमिंग SSD वगैरह डालता हूँ, बट आज के लिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और अगर आप में से किसी को पीसी वगैरह के पार्ट्स के बारे में नहीं समझ आता, आप प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते हो, तो नो ऑफेंस, आपको जो करना है करो, आप इस चैनल पर वेलकम हो, आपको अगर ये कॉन्टेंट नहीं है पसंद आप तब भी वेलकम हो इस चैनल पर। सो गाइज मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे इनसाइड। I'll see you next time. Till then, too sweet.